हाँ तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो कि है BBMQ का सेकंड सेमेस्टर, जो कि 7 तारीख का एग्ज़ाम है, इंग्लिश कॉमन कोर्स 4। मैं इस वीडियो में इंग्लिश का पूरा ग्रामर का सिलेबस इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ग्रामर का सिलेबस में आप देख ही सकते हैं, जिसमें है यूनिट 5 में सिंटैक्स, यूनिट 6 में कॉमन एरर्स, 7 में वॉइस एक्टिव पैसिव, 8 में नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, 9 में क्लॉज, और ये 10 में है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इंग्लिश एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन इसमें पार्ट 3 है, जिसमें मैं आज आपसे पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट 1 से आएगा आपका 40 नंबर, पार्ट 2 रहेगा आपका ग्रामर और ट्रांसलेशन 40 नंबर, और पार्ट 3 वाइवा वॉइस टेस्ट 20 नंबर। मैं तो ये नहीं, गारंटी से नहीं कह सकते कि वाइवा आपके कॉलेज में लिया जाएगा, लेकिन वाइवा नियम है लेने का हर यूनिवर्सिटी का। तो BBMQ भी हो सकता है आपसे वाइवा टेस्ट ले सकती है। तो हालांकि ये सब बात अलग है, मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, जिसमें है आपका 5 यूनिट। तो शुरू करते हैं, आइए यूनिट 5 से। आपका यूनिट 5 में है सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस जो है वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स ही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें साफ साफ आपका सिलेबस में लिखा हुआ है सिंटैक्स एप्लीकेशन ऑफ सुइटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। दैट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है ये टॉपिक। इसमें आप देख सकते हैं कि आप मैंने सभी टॉपिक सभी रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा रूल मैंने उतारा है इस कॉपी में। मैं आपको रूल, इसमें 12 रूल होते हैं, मैं आपको सारा रूल्स इस वीडियो में स्लाइड बाय स्लाइड दिखाने वाला हूँ। चलिए, इसमें है रूल 2 और 3। इधर आपका हो गया रूल 4, 5। रूल 6 एंड 7। आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। आपको बस ये सब एक बार रीड कर लेना है, सीरियल वाइज आपको लिखना है। जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको दिख रहा है, आप रीड करते जाइएगा और आपको सब समझ में आता जाएगा। सिंटैक्स जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें 12 रूल दिया हुआ है। आपका गेस पेपर में इसको अच्छा से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मैंने इसको खूब अच्छा से एक्सप्लेन किया है। उसके लिए आपको सब कुछ स्टॉप करके पढ़ना, या आप अलग कॉपी में लिख के भी समझ सकते हैं। और ये आपका लास्ट रूल है। मैं आशा करता हूँ सिंटैक्स का मैंने 12 रूल आपको इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। आप वीडियो को स्टॉप करके सब रूल अपने कॉपी में लिख सकते हैं, या वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए। तो मैं देखिए, आपका यूनिट 6 है कॉमन एरर्स एंड मार्क एंड करेक्ट एरर। कॉमन एरर्स में आपसे यही पूछा जाएगा, कोई आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको निकालना होगा कि इसमें एरर की क्या है। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो, वर्ब से रिलेटेड कुछ भी आपको जो रॉन्ग लगे वो आपको पहले तो सेंटेंस क्या है उसमें क्या गलत है वो पकड़ना होगा, उसके बाद ही आप एरर को पकड़ सकते हैं। एरर भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है, देख सकते हैं आप। इसको स्टॉप करके आप देख सकते हैं। एरर में आपको कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, या तो आपका नाउन में एरर हो सकता है, प्रोनाउन में हो सकता है, आर्टिकल्स में हो सकता है, तो आपको वो खुद सेंटेंस पढ़ के आपको एरर ढूंढना होगा, उसके बाद ही आप एरर को पकड़ सकते हैं। पहले आपको सेंटेंस जानना होगा कि उसमें नाउन पूछा जा रहा है या प्रोनाउन में एरर है। यूनिट 7 में आपका है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आपको, तो आप इतनी जल्दी तो इसमें बहुत सा ग्रामर है, तो आप इतनी जल्दी तो ये कवर नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि कोई भी बच्चे तैयारी इतना ढंग से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मैंने एक चार्ट लाया है। उस चार्ट को अगर आप पढ़ लेंगे तो आशा करता हूँ कि आप कुछ समझ जाएँ। अगर आप इस चार्ट को पढ़ लेंगे, देखिए मैंने सारे टेंस को
एक्टिव टू पैसिव में चेंज करके मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर आप इस चार्ट को पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में थोड़ा कुछ कन्फ्यूज़न दूर हो के आप क्वेश्चन बना पाएँ। फिर आपका यूनिट 8 है नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो चलिए मैं आपको नरेशन का भी एक चार्ट दिखा देता हूँ। उस चार्ट की मदद से आप अगर इस चार्ट को पढ़ेंगे तो आपका नरेशन में भी कुछ आइडिया आ जाएगा कि नरेशन में कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को ही रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर आप इस चार्ट को पढ़ लेंगे पूरा अच्छा से तो आपका नरेशन में भी कुछ आइडिया आ जाएगा कैसे चेंज होता है। उसके बाद आपका यूनिट 9 है क्लोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोजेस, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल। मैं ये सारे टॉपिक मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए तो आपका यूनिट 9 है क्लोज, चलिए देखते हैं क्लोज क्या है। देखिए, क्लोज इज ए सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। आप पढ़ के समझ सकते हैं आसानी से, मैंने इसको बहुत ईजिली लैंग्वेज में लिखा है। टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के 3 टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। आप देख सकते हैं, चलिए मैं इस कैमरा को घुमा देता हूँ ताकि आप लिख सकें देख के अच्छा से। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है नाउन। नाउन को तो सब इजीली जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेन पर्सन प्लेस और थिंग्स। उसके 4 टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये सब इजीली आपको गूगल में मिल जाएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गूगल में सारी चीज़ का डिफिनेशन ईजिली अवेलेबल है, नाउन के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका टॉपिक वर्ब। देख सकते हैं वर्ब, देखिए वर्ब, वर्ब विच डिनोट्स एन एक्शन, ऑकरेंस और ए स्टेट ऑफ बीइंग इज नोन एज ए वर्ब, सच एज टू डांस, टू बिकम, टू बी, टू बम एक्सेट्रा। आप इजली, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आप बस इस वीडियो में आप अपना ग्रामर का सारा टॉपिक कवर कर सकते हैं। आपको बस ये वीडियो को स्टॉप करके हर एक पार्ट को अपने आपको पढ़ना है। आप रीडिंग भी दे सकते हैं या अपना कॉपी में उतार भी सकते हैं। बस वीडियो को आपको स्टॉप करके ही लिखना होगा। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आशा करता हूँ आप सब हमको सपोर्ट करेंगे। और अगर आपका सपोर्ट मिला और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा तो मैं इसके बाद सेकेंड वीडियो भी आप लोग के लिए लाऊँगा। कॉमन कोर्स 4, 5 बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है एडजेक्टिव। देखिए मैंने कितना इजीली एडजेक्टिव को डिफाइन किया है। आप अगर वीडियो में आप अगर हर चीज़ को स्टॉप करके लिखेंगे तो आपका बहुत इजीली से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है, आपको देख के अपने कॉपी में उतारना है और एग्ज़ाम के लिए अपना कोई चीट पेपर में लिख के ये सब को ले जाना है और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ले आना है। आप चीटिंग भी कर सकते हैं, ये सब देख के लिख के आ सकते हैं आप एग्ज़ाम में। कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को स्टॉप करना है और सारा चीज़ को अपने कॉपी में उतार लेना है। रूल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बस डेफिनेशन और काइंड्स वगैरह ही पूछे जाएंगे, रूल्स नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट है आपका एडवर्बियल। एडवर्बियल जानने के लिए आपको एडवर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने वो भी इजीली आपके लिए ला दिया है। एडवर्ब होता है पार्ट ऑफ स्पीच दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, और एडवर्बियल होता है फ्रेज दैट मॉडिफाइज ए वर्ब। इसमें फ्रेज का स्पेलिंग गलत है, एस होगा उसमें,
फ्रेज दैट मॉडिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब। एग्जांपल देखिए, जो आपका अंडरलाइन किया हुआ है वही सब फ्रेज है जो एडवर्बियल को दर्शाता है। और बच गया आपका लास्ट है जो है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की है। लास्ट देखिए, मैंने एक पूरा कॉपी ही बना दिया है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का। इसके लिए उसी तरह आप लोग को भी पढ़ना हो सकता है। आप गेस्ट पेपर का जो लास्ट में आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिया हुआ वो भी आप फाड़ के ले जा सकते हैं एग्ज़ाम में चीटिंग करने के लिए। हाँ तो दोस्तों, अगर आप मैंने ये तो ग्रामर का सेकेंड पार्ट का सब कुछ आपके सामने ला दिया है। अगर आप लोगों को मेरा चैनल का तो ये फर्स्ट वीडियो है, चैनल का तो छोड़िए, आप लोगों का अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो में लाइक्स दे सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि सब्सक्राइब पाने के लिए तो ये वीडियो बनाया है मैंने, तो आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और बहुत से बच्चों को बस ग्रामर से ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अब इस वीडियो में मैंने ग्रामर का तो सारा सिलेबस कवर कर ही लिया है। तो अगर इस वीडियो में मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब मिल जाते हैं तो मैं आगे भी ऐसा ही दूसरा वीडियो बना लूँगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं भी सेकंड सेमेस्टर का ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं एकदम रियल चीज़ आप लोगों के सामने लाऊँगा। एकदम जो एग्ज़ाम में आपसे वो क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। हाँ तो दोस्तों, पूरा ग्रामर का सिलेबस मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। अगर लाइक्स नहीं बिना करके गए और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो फिर मेरा भी मन नहीं करेगा दूसरा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं और दूसरा गेस्ट पेपर दूसरा सब्जेक्ट का मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।